शुगर में कैलोरीज होती हैं और ग्लूकोज होता है। इस वजह से जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, ओबेसिटी नहीं चाहते हैं, और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कंट्रोल रखना है, ऐसे काफ़ी लोग आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री वगैरह की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये वज़न को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ को भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या हैं और ये क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मीठा स्वाद एक बड़ा सुखद एहसास देता है और इसका कारण ये है कि मीठे में शक्कर होती है और इस शक्कर में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज में इंस्टेंट एनर्जी होती है और दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी पसंद है। तो ये बहुत हज़ारों साल की ट्रेनिंग है हमारे दिमाग को, जबकि ह्यूमन लाइफ ऐसी थी हंटिंग गैदरिंग टाइप की कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता था और फूड इजीली डाइजेस्टिबल भी नहीं होता था, तो कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी मेहनत होती थी। तो जब कभी ऐसा इंस्टेंट और कैलोरी डेंस फूड मिल जाए तो दिमाग को बड़ी खुशी होती थी, और ऐसा फूड एक ही था, शुगर। इस वजह से ये दिमाग में एक चीज़ रजिस्टर हो गई कि जब भी मीठा है तो अच्छा है, इंस्टेंट कैलोरीज हैं, डेंस कैलोरीज हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि खाना बहुत हो गया, शुगर भी बहुत हो गई और फिज़िकल एक्टिविटी चली गई, लेकिन हमारे दिमाग की ट्रेनिंग वैसी की वैसी रही। तो इस वजह से फिर वही प्रेफरेंस हमारा मीठे की, वही क्रेविंग, और उस चक्कर में हमने खूब खाना खाया, शुगर भी खाई और काम नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि वज़न भी बढ़ा और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा। तो अब हम एक ऐसा स्वीटनर चाहते हैं जिसमें मिठास तो हो, जो हमारे स्वीट की जो क्रेविंग है उसको तो पूरा करे, पर ना तो उसमें कैलोरीज हो और ना ग्लूकोज हो। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ें आईं, कई ऐसे स्वीटनर्स आए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनमें से ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है और जिनमें कैलोरीज भी नहीं होती हैं। जैसे शुरुआत हुई सैक्रीन से, फिर एस्पार्टेम आया, सुक्रालोज आया और अभी स्टीविया है, और भी नए नए आ रहे हैं। शुरू शुरू में इनका उपयोग चाय कॉफ़ी के लिए हुआ, फिर धीमे धीमे बढ़ता गया, हलवा, बर्फ़ी, लड्डू, कोका कोला, बल्कि आजकल तो च्यवनप्राश तक आ गया है जो शुगर फ्री है। कई सेलिब्रिटीज सेफ हैं जिनके प्रोग्राम्स आते हैं कि शुगर फ्री स्वीट्स कैसे बनाएं। पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो शुगर फ्री चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये शुगर से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, शुगर से भी ज़्यादा डैमेजिंग हैं। ये समझिए, ये होता ये है कि इनके जो डैमेजेस हैं वो तीन तरह के होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक। पहले हम मेटाबॉलिक डैमेजेस को लेते हैं कि मेटाबॉलिक क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्योंकि हमारे दिमाग को ये बहुत हज़ारों लाखों साल से ट्रेनिंग है कि जब भी मीठा होगा तो इंस्टेंट एनर्जी होगी और डेंस कैलोरीज होंगी, तो क्या होता है कि जैसे ही जवान पे मीठा टेस्ट आता है, दिमाग तैयार हो जाता है उसके लिए। दिमाग वेलकम करने की कोशिश करता है कि चलो अब इंस्टेंट कैलोरीज मिलने वाली हैं, और क्योंकि कैलोरीज डेंस होंगी इसलिए दिमाग काफ़ी हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह को भी रेगुलेट करता है, उनको रिलीज करता है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में होता यह है कि टेस्ट तो मीठा आया लेकिन ना ग्लूकोज लेवल बढ़ा ना कैलोरीज हुई, तो उस चक्कर में क्या होता है कि दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है और जो एक सेटाइटी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो होता यह है कि जो लोग डाइट चीज़ें लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाली चीज़ें लेते हैं, जीरो कैलोरी वाली चीज़ें लेते हैं, वो अल्टीमेटली ज़्यादा खाना खा जाते हैं, और फिर जो हार्मोन एंजाइम्स वगैरह निकले हैं उसको हैंडल करने के लिए वो फिर परेशान होते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, और कुल मिला के एक सिचुएशन आ जाती है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कैंसर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ होती है, वज़न बढ़ता, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरीके से ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये केमिकली और बायोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे शरीर पे भी और हमारे माइक्रोफ्लोरा पे भी, जिसकी मैं बार बार बात करता रहता हूँ। तो कुल मिला के नटशेल में ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल काम के नहीं हैं, शुगर तो बेकार है ही लेकिन ये शुगर से भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसमें कोई सेंस नहीं है कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करें। मैं तो कहूँगा कि अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपके घर में हैं, तो तुरंत उनको नाली में बहा दें, उनको किस्तों में छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, सीधा एक बार में ख़त्म करें, नाली में डालें। अब एक सवाल आता है कि अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी ना लें तो फिर जो मीठे की जो क्रेविंग है उसका क्या करें? तो उसके तीन इलाज हो सकते हैं। पहला ये है कि थोड़ा बर्दाश्त करें,
अवॉइड ही करें शुगर को। तो इससे क्या है कि जो हमारी टेस्ट बड्स हैं वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, खुल जाती हैं, फिर हमें जो हल्का मीठा स्वाद है वो पकड़ में आने लगता है। और कुदरत की बहुत सारी चीज़ों में, सैकड़ों चीज़ों में हल्की मिठास है, तो फिर जो हमें मीठेपन का एहसास है वो शुगर तक सीमित नहीं रह जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से मीठा स्वाद मिलेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम दालचीनी यूज़ करें। अब दालचीनी के नाम में ही चीनी लगा हुआ है, क्योंकि वो मीठी होती है और थोड़ी स्पाइसी भी होती है और मिठास हल्की होती है, बड़ी ऑप्टिमम होती है। तो अगर हम दालचीनी का एक टुकड़ा मुंह में रखें तो उससे भी हमारे मीठे की क्रेविंग कम हो सकती है। और ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी होती है, डायबिटीज़ को भी कम करती है, ओबेसिटी को भी कम करती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि हमें दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। और उपयोग आप सीधा एक टुकड़ा मुंह में रख सकते हैं, और या तो चाहें तो इसको पाउडर करके रख के यूज़ कर लें, और चाहें तो इसको उबाल भी सकते हैं पानी में, और उबाल के गरम चाय की तरह पी लें या आइस टी की तरह भी पी सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आजकल बाज़ार में नकली दालचीनी बहुत है, तो जब भी खरीदें टेस्ट करके खरीदें, खाली खुशबू पर मत जाएं, थोड़ा टुकड़ा मुँह में डालें और अगर मीठी लगे तभी खरीदें। तीसरा इलाज ये है कि मान लो इससे मन नहीं भरता है तो थोड़ा गुड़ ले लें, थोड़ा टुकड़ा सीधा मुंह में रख लें, जीभ पर रख लें, किसी के साथ मिलाएं नहीं, सीधा ही ले लें, उससे आपको संतुष्टि आएगी। गुड़ में शुगर के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उतनी बुरी नहीं है जितना शुगर बुरा है, तो गुड़ का आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है कि शहद का क्या, क्या शहद को यूज़ करना चाहिए? तो मैं कहूँगा शहद भी उतना ही सेंसलेस चीज़ है जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर है, तो उसमें शुगर के अलावा कुछ नहीं है। और बहुत वायलेंट चीज़ भी होती है, सोचो हजारों लाखों मक्खियों का घर उजड़ता है, इतनी वायलेंस होती है तब शहद निकलती है, बहुत हिंसक है। और वैसे भी आप सोचिए कि आखिर है क्या शहद, लाखों मक्खियों का थूक है। अरे एक मक्खी खाने में आ जाए सामने तो फिर खाना नहीं खाया जा सकता है, और हम लाखों मक्खियों का थूक क्यों चाट रहे हैं? तो शहद में भी कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपके घर में शहद है तो उसको खा लीजिए, लेकिन आगे से मत लें।